तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं NTPC में जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए 223 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वाकई में वैकेंसी है या नहीं है, हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। अगर वो वैकेंसी वाकई में सही होगा तो हम लोग किस तरह घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई कर ली कहाँ से मिलने वाला, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि NTPC के तहत 223 पोस्टों की वैकेंसी आई है, इसे आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई कर ली कहाँ से मिलने वाला। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो नोटिफिकेशन ओपन करके रखे हुए NTPC के तहत जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ये वही नोटिफिकेशन है। तो क्या ये नोटिफिकेशन सही हम आपको जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। मैं बस क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करने की वजह ये है कि आप खुद से देख सकते हैं वाकई में वैकेंसी है या नहीं है, खुद से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, NTPC लिख के सर्च कर लेना है। नया पेज ओपन करने के बाद आप NTPC लिख के सर्च कर लेंगे। जैसे NTPC लिख के सर्च कर लेंगे, फर्स्ट नेम मेंशन करा NTPC और यहाँ पे सबसे नीचे का देखते हैं जॉब एट NTPC, ये NTPC का ही था। नीचे में शॉर्टकट नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, जिसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे। तो जॉब जितना भी NTPC की तरफ जॉब होगा सारा यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे तो NTPC का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब का। थोड़ा सा नीचे करेंगे, जैसे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 और जो एग्जीक्यूटिव जो मैंने बताया था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ऑपरेशन की तरफ वैकेंसी है, फिक्स टर्म बेसिक है। इसके सबसे पहले क्लिक हेयर पर डिटेल्स भी जान लेते हैं, क्या डिटेल्स है वाकई में वैकेंसी है या नहीं, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। इसके सबसे पहले यस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको हम स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो NTPC का नोटिस बोर्ड है वो ओपन हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट द पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। जो स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं, सबसे पहले मिला लेंगे 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पे हिंदी पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को आपको हम दिखाते हैं, क्या वाकई में नोटिफिकेशन वही है या नहीं है, सही है या नहीं। तो जो मैंने नोटिफिकेशन आपको पहले दिखाया था वही नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। इससे यह पता चलता है कि वैकेंसी वाकई में सही है। तो सबसे पहले इसका हम डिटेल्स देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले इसे टोटल पोस्ट की बात किया, टोटल पोस्ट यहाँ देख सकते हैं मेंशन कर रहे हैं 223 पोस्टों की वैकेंसी है। और थोड़ा सा जूम करके आपको हम दिखा देते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है जिसमें UR कैटेगरी में 98 पोस्ट है, EWS में 22 पोस्ट है, OBC में 40 पोस्ट है, SC में 39 पोस्ट है, ST में जो है 24 पोस्ट है। टोटल जो है 223 पोस्टों की वैकेंसी है। जो आपको पोस्ट का नाम बताया था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, 223 पोस्टों की वैकेंसी यहाँ पे भी शो करने को मिलेगा। यह NTPC के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इसके जो है टर्न ऑफ सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे पहले इस फॉर्म भरने में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, तो क्वालिफिकेशन की बात किया डिग्री इन जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से जो इंजीनियरिंग किए हुए वही लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए जो डिग्री जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से जो इंजीनियरिंग किए हुए वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो कितने सालों तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो अपर जो एज लिमिट जो 35 रखा गया है उसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट आपको हम बता दिए, और ज़्यादा इसमें जारी कुछ तो नहीं किया गया, बस इसमें स्टार्टिंग डेट आपको हम बता देते हैं 25 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट। और इसमें देखते हैं पेमेंट फी क्या कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई आपको हम बता दिए किस तरह अप्लाई करना है, और इसमें और तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शायद कहीं भी मेंशन था कि पेमेंट फी आपको फॉर्म भरने कितना पेमेंट फी लगने वाला है, तो फी एक बार हम आप देख चेक करके आपको हम दिखा देते हैं इस फॉर्म भरने की पेमेंट फी क्या रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, जब हाउ टू अप्लाई के नीचे देखेंगे और यहाँ थोड़ा नीचे देखेंगे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 300, SC ST और कैटेगरी को कोई पेमेंट फी नहीं हुआ, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपया लगने वाला। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई पेमेंट फी नहीं लगेगा। अगर जिन लोगों का 300 रुपया लग रहा है वो रिफंडेबल नहीं रहेगा, यानी कि आप जो एग्जाम दे लेते हैं रिफंड होता है वैसा इसमें रिफंड नहीं होने वाला है, ये नॉन रिफंडेबल है। अब ये सब जानने के बाद जो वैकेंसी वाकई में सही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दे देते हैं, ताकि आप शॉर्ट तरीका से डायरेक्ट नोटिफिकेशन का लिंक पे और अप्लाई का लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये सब जानने के बाद सर फॉर्म अप्लाई किस तरह करेंगे, अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्रोम ब्राउज़र जो मैंने ओपन करवाया था यहीं पाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके
आपको आगे प्रोसेस पे आ जाएगा। जैसे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, सॉरी ईमेल पासवर्ड जो होता है वहाँ से लॉगिन होकर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो लॉगिन तो है नहीं, इसके न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जिससे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से पूरा डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि पूरा नाम डाल सकते हैं, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, और कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, आपका एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स भी जो सबमिट लगेगा आप सबमिट कर लेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता है, मैं फिलअप करके बताऊँ, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना कि किस जगह से किस तरह का वैकेंसी या किस तरह से वाकई वैकेंसी सही है या नहीं। अगर वो वैकेंसी रहता है सही तो मैं आपको सही जानकारी देता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं हो, लेकिन जिस स्टूडेंट के पास ऐसा क्वालिफिकेशन है उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देंगे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को सही जानकारी सही लोगों तक पहुँच नहीं पाता, अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई और लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद। लेकिन लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद।